The question is, we have to prove that cos 9x minus cos 5x divided by sin 17x minus sin 3x, and this is equal to minus of sin 2x divided by cos of 10x. So let's see how we are going to prove the given statement. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड को एक बार नोट कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास है cos of 9x माइनस कॉस ऑफ 5x, ये आपका न्यूमरेटर पार्ट है और डिनोमिनेटर को इन केस अगर आप चेक करें तो ये आपके पास है साइन ऑफ 17x माइनस साइन ऑफ 3x. अब इस एक्सप्रेशन में हम लोग दो रिजल्ट यूज करने जा रहे हैं जिनमें पहला रिजल्ट है कॉस सी माइनस कॉस डी. तो कॉस सी माइनस कॉस डी ये आपके पास इक्वल होता है माइनस टू टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू के. सिमिलरली इनकेस अगर आप साइन सी माइनस साइन डी की बात करें तो साइन सी माइनस साइन डी अगर अपन इसको प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये इक्वल होता है टू टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन डेट इज सी माइनस डी अपॉन टू के. तो चलिए इन दोनों रिजल्ट को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में यूज करना स्टार्ट कर देते हैं. तो सबसे पहले मैं न्यूमेरेटर में फोकस कर रहा हूँ और ये मेरा सी है और ये मेरा डी है और इनकेस अगर मैं यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी अप्लाई करूंगा तो ये बनेगा माइनस के टू टाइम्स ऑफ साइन डेट इज सी प्लस डी अपॉन टू डेट इज 9x प्लस 5x डिवाइडेड बाय टू. अगला टर्म हमारे पास बनेगा डेट इज साइन ऑफ 9x माइनस 5x डिवाइडेड बाय टू. तो ये आपका न्यूमरेटर है. अब हम लोग मूव कर रहे हैं डिनोमिनेटर में और ये आपका सी है ये आपका डी है एंड वी आर यूजिंग द आइडेंटिटी साइन सी माइनस साइन डी. और इनकेस अगर मैं यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई करता हूँ तो ये टर्म बनेगा टू टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ दैट इज 17x प्लस 3x डिवाइडेड बाई टू, ये फर्स्ट टर्म है. और अगले टर्म को हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ दैट इज 17x माइनस 3x डिवाइडेड बाई टू के. तो अभी इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि सबसे पहले तो ये टू से टू आपका कैंसिल हो रहा है और आफ्टर कैंसिलेशन अगर मैं डाटा जो बचा हुआ है उसको फर्दर रिड्यूस करूं तो ये बनता है माइनस ऑफ साइन दैट इज माइनस साइन 9x प्लस 5x की बात करें तो ये हमारे पास बनता है 14x डिवाइडेड बाई टू. तो चलिए मैं लिख देता हूँ दैट इज 14x डिवाइडेड बाई टू. अगला टर्म हमारे पास बनेगा साइन ऑफ 9x माइनस 4x दैट इज 4x डिवाइडेड बाई टू, ये आपका न्यूमिनेटर पार्ट है. सिमिलरली अगर हम लोग डिनोमिनेटर में काम करें तो ये हमारे पास बनेगा कॉस दैट इज 20x डिवाइडेड बाई टू और ये जो सेकेंड टर्म है इसको आप लिख सकते हैं दैट इज साइन साइन दैट इज 14x डिवाइडेड बाई टू के. यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ये जो साइन 14x बाय टू जो कि सिंपली साइन 7x भी होता है तो इसको आप साइन 7x से डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं. तो आफ्टर कैंसिलेशन जो डाटा आपके पास लेफ्ट आउट होगा विच इज माइनस, न्यूमेटर को आप देख सकते हैं कि इसको आप डायरेक्टली साइन 2x लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर को अगर आप चेक करें तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉस ऑफ 10x. सो दिस इज द फाइनली रिजल्ट विच वी हैव टू प्रूव इन द गिवन प्रॉब्लम.